खबर राजधानी देहरादून से है, जहां राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर एक निजी होटल में चिकित्सा सेवा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने की, जबकि स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत किया। आपको बता दें कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर प्रदेश भर से करीब 25 चिकित्सकों को सम्मानित किया गया। वही कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सभी चिकित्सकों को बधाई देते हुए कहा कि चिकित्सक दिवस का कार्यक्रम 1991 में शुरू किया गया था। चिकित्सक विपरीत परिस्थितियों में भी अपने काम और अपनी लगन के लिए जाने जाते हैं। आगे कैबिनेट मंत्री ने कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों में काम करने वाले चिकित्सकों को भी देहरादून बुलाकर सम्मानित किया गया है। करा है उनकी मेहनत पर, कैसे वो यहाँ पे उत्तराखंड में रहकर इतनी सर्जरीज करते हैं, पहाड़ों में ऊपर जाके सर्विस करते हैं, बिना थके पेशेंट का ध्यान रखते हैं। और बाकी बात है कि हम यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन ने ब्लड डोनेशन कैंप्स भी करे हैं, आयरन कैंप्स भी करे हैं, और ये सिलसिला चलते रहता है। एंड हम एज अ फार्मा कंपनी फुल सपोर्ट करते हैं सारे डॉक्टर्स को। इधर मेरा नाम डॉक्टर अजय कुमार है, मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चंपावत में फिजिशियन की पोस्ट पे कार्यरत हूँ पिछले छः सालों से। आज आप लोग कुछ देखिए, आज सम्मान मिला है उसकी मुझे बहुत खुशी है। पहाड़ में दुर्गम इलाकों में काम करने वाले डॉक्टरों को ये सम्मान मिलना बहुत अच्छी बात है, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। और जो काम हम कर रहे हैं, जिस काम के लिए हमें सारा जीवन हमने ट्रेनिंग करी है, उस काम को करने में हमें और खुशी का अनुभव होता है। पहाड़ों में पहले तो दुर्गम क्षेत्र है, सुविधाओं का अभाव है, ट्रांसपोर्टेशन में मरीजों को दिक्कत होती है, गरीब मरीज हैं, बेहतर इलाज के लिए बहुत ज़्यादा सुविधाओं के लिए प्लेन्स की तरफ हर मरीज नहीं जा सकता है। तो जो हमें संसाधन मिले हैं, जो कि पहले से काफ़ी सुधार है, उसमें हम कोशिश कर देंगे मरीज का वहीं इलाज किया जाए, ताकि वो भी परेशानी से बचे। और जितना हमारी ट्रेनिंग है, जितना हमारी डिग्री है, उस हिसाब से हम पूरी कोशिश करते हैं कि मरीज वहीं ठीक हो जाए। अच्छा, आज युवाओं का डॉक्टर्स डे पे क्या संदेश आपका है, किस तरीके से यहाँ पर जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उनको देखा जाए? आज देखिए, डॉक्टर्स डे का कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित हुआ, और इसमें जो मेन बातें रखी गई वो ये है कि डॉक्टर्स का जो है पेशेंट के प्रति जो सेंसिटिविटी है वो हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रहे। इसके साथ साथ डॉक्टर्स जो है लगातार अपने आप को हमेशा इम्प्रूव करते रहें, हमेशा अपने आप को अपस्किल और रीस्किल करें, और ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि टेक्नोलॉजी अभी प्रवेश कर चुका है मेडिकल साइंस में भाई बहुत बड़े तौर पे, तो मेडिकल साइंस में टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए आगे बढ़े डॉक्टर्स, ये हमारा प्रयास है। इसके अलावा अभी सरकार ने जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनके लिए जो सेवा विस्तार है 60 से 65 साल अभी कर दिया है। इसमें इस बार हम लोग उम्मीद करेंगे कि जितने भी हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं। इनफैक्ट मुझे कहने में खुशी भी हो रही है कि जो अभी हमारी DG रिटायर्ड हैं उन्होंने भी आवेदन कर दिया है कि मैं रिमोट जिले में जाके काम करना चाहूँगी एज ए स्पेशलिस्ट। तो एक बहुत अच्छी बात है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का धन्यवाद भी अदा करना चाहूँगा।